सो दोस्तों, आज के एपिसोड बी बोल्ड में शिल्पा ठाकुर का स्वागत है। सो शिल्पा ठाकुर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने फर्स्ट एपिसोड में जिसका नाम है बी बोल्ड। थैंक यू। सो बताइए शिल्पा, आप जैसे बॉम्बे में कितने सालों से हैं और आप क्या हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी? मुझे हो गया है मिनिमम 8 साल हो गया है। वाओ। और मतलब बचपन से तो था मुझे एक्टिंग करना है, लेकिन कुछ सिचुएशन थी, फैमिली का था एंड होते ना फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि नहीं एक्टिंग में नहीं जाना है, वो अलग है, तुम अलग जॉब करो वगैरह वगैरह। तो नहीं, मुझे लगा था कि नहीं मुझे एक्टिंग करना है, तो मैं एक्टिंग में आ गई। सो जब 8 साल पहले जब आपने डिसाइड किया, तो आपके घर वालों को आपने कैसे कन्विंस किया? क्या उन्हें आपने कोई बहुत से खूबसूरत से हीरो की फोटो दिखाई और कहा कि पापा मैं इसके साथ एक्टिंग करने वाली हूँ, मान गए, या हुआ क्या था? नहीं नहीं एक्चुअली कैसा था कि मतलब एक्टिंग करना था, लेकिन मेरे घर वाले माने नहीं थे। मम्मी थी तो मम्मी ने मुझे बोला नहीं 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 करने का, तू नॉर्मल जॉब कर, तू अभी ग्रेजुएशन बाकी है तेरा। तो मैंने बोला यार क्या करूँ, लेकिन मेरा तो मन अटका हुआ है। फिर मुझे जैसे तैसे करके बैंक में जॉब लगा दी, बैंक में जॉब किया। फिर देन उसके बाद नहीं नहीं करते करते फिर डांस अकेडमी गई, डांस सीखा। फिर डांस करते करते डांस के थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। ओके। और आपकी 8 साल की जर्नी कैसी रही? 8 साल की जर्नी टफ है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे लोग देखने मिले, कैसे सिचुएशन थी, कभी उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और चल रही है अभी। तो मुझे ये बताइए, जैसे शूटिंग के दौरान आपने कभी कोई बोल्ड सीन किया हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी हीरो के लिए अलग से इमोशंस आ गए हो या कोई फीलिंग्स आ गई हो, समटाइम्स आप कभी टर्न ऑन हो गई हो, ऐसा कुछ? हाँ। ओके। बोल्ड सीन्स करते टाइम तो हुआ है ऐसा। हाँ। मुझे लगा कि नहीं, मतलब कुछ वो उस टाइम पे फीलिंग ऐसी थी कि नहीं, मतलब वो टर्न ऑन होना चाहिए दोनों के बीच में। तो और शूटिंग के बाद जब आप घर में गई तो उसके साथ गई या नहीं, टाटा बाय बाय दैट से? नहीं नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं यार, मतलब है दिमाग में तो आ रहा है लेकिन करना नहीं है फिलहाल, अभी शूटिंग खत्म है, चलो अभी अपने घर जाते। ओके, बस उसको बाय बोला और निकल गए। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी हीरो के साथ मान लो आपका सेट पे बहुत अच्छा लगा और बाद में आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए हो? अच्छा तो लगा है लेकिन रिलेशनशिप में आज तक कोई नहीं आया मेरे साथ। नहीं नहीं। और अभी आपका स्टेटस सिंगल है या कमिटेड है किसी के साथ? सिंगल। और कब तक इरादा है सिंगल रहने का? वो तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं आगे कैसा, कब तक सिंगल है। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, जैसे कभी जब आप इंटीमेट सीन करती हैं, सो आप अपने आप को कैसे मेंटली तैयार करती हैं, वहाँ पे कैसा माहौल होता है और कैसा कैसा होता है, मुझे पूरा एक इंटीमेट सीन का पूरा एक सेटअप बताइए। ऐसा है ना कि इंटीमेट सीन करने के लिए जब डायरेक्टर हमारे बोलते हैं कि अब ये सीन है आपको करना है, तो मेरा ऐसा होता है कि क्या करे क्या करे, फिर सडनली कि अरे हाँ, फिर आगे वाले जो मेरा ऑपोजिट में हीरो है उसको मैं बोलूँगी फिलहाल तो मुझे गर्लफ्रेंड समझ ले, ठीक है। तो हम लोग का एक वो पहले सीन के पहले थोड़ी बात हो जाती है, देन उसके बाद में हम लोग का फिर सीन चल ही जाता है, तो चल के आ जाता है, ओके हो जाता है। और जैसे सीन अप कर रही होती हैं तो सामने लाइट वाले भी होते हैं, कैमरा वाले भी होते हैं, आपका डायरेक्टर भी होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मेकअप मैन आके ऐसे ब्लशर कर रहा है और आप स्मूच कर रही है और कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पूरे मुंह पे लिपस्टिक लग गई है। हाँ। और वो आकर ऐसे ऐसे हटा रहा है और यहाँ ऐसा लग रहा है यार मुझे किस करना है, मुझे किस करना है, मुझे किस करना है, मैं क्या करना, ऐसा होता है कभी? मैं सोचती हूँ कि यार मेकअप को भी अभी हटना था जब स्मूच कर रहे हैं। और ऐसा होता है ना कि यार वहाँ पे इतने सारे लोग हैं अभी कैसे करें, ऐसा होता है कभी नर्वसनेस होती है कि नहीं दे आर डूइंग देयर जॉब और आप अपना जॉब कर रही हैं? समटाइम्स कभी एक आधी बार हो गई, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है जब फील में आ जाता है तो इंसान बस करते ही जाता है, चलते ही जाती है गाड़ी। और मुझे बताइए, आपने आज तक इतने एक्टरों के साथ काम किया जी, तो सबसे फेवरेट एक्टर आपका कौन था और आप उसे आउट ऑफ 10 क्या रेट देना चाहेंगे? सबसे फेवरेट वो है फरहान, जिसके साथ किया मैंने एक्टिंग। और वो बहुत ही अच्छा है और उसका नेचर तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा, उसके बॉडी
बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं तो उसको फुल ऑन फिदा हो गई उस टाइम पे। और फिर ऐसा था कि हाँ सीन किया देन उसके बाद में उसका ऐसा कि मार्क भी देने चाहे तो ऐसा रहेगा कि 10 out of 9। लवली। और मुझे बताइए ये जो आपने इतने सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया है, आपकी सबसे फेवरेट डायरेक्टर मेल फीमेल इतने टाइम से आप हैं, सबसे अच्छी एक्सपीरियंस कैस किसके साथ रहा और क्यों रहा? मेरे दो ही है। जी मैं ईमानदारी से बताऊंगी, मेरे दो ही है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और वो है फर्स्ट आप जो मैंने आपके साथ भी काम किया है, सेकेंड है रोहन सर मैंने जिनके साथ काम किया है। ठीक है। और जेन्युइनली आप और रोहन सर मुझे मतलब नेचर वाइज भी बहुत अच्छा लगे एंड काम करने का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद आया। थोड़े से हमारे बारे में बता दीजिए दर्शक मैं कैसा डायरेक्शन देती हूँ। नहीं सीरियसली आप बहुत अच्छा डायरेक्शन करते हो, बहुत ही अच्छे से आप समझाते हो कैसा सीन है क्या है, मतलब एकदम कि हाँ नहीं बेटा ऐसा नहीं ये सीन चाहिए हमें, तो एक होता ना समझाने का तरीका, तो आप वो बखूबी बहुत अच्छा निभाते हो। कभी आपको मेरे साथ अनईजी लगा? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं, मतलब आपके साथ में एकदम इजी फ्रेंकली होके काम करने का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी डांटा तो नहीं? आपसे तो डांट कभी नहीं पड़ी। अच्छा सो दोस्तों आप सबके साथ हमारी जो शिल्पा है वो थोड़ा सा और कुछ बताना चाहेंगी कि अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो आपको कैसे काम करना चाहिए, और शिल्पा बताएंगी कि वो अपनी जर्नी को कहाँ पे देखती हैं और आगे आप अपनी जर्नी को कहाँ लेके जाना चाहती हैं, दर्शकों को बताइए। वेल ऐसा है कि मुझे तो अपनी जर्नी आगे बहुत आगे बढ़ानी है। रही बात है कि मेरा जो सफ़र है जो स्टार्ट हुआ है भी और बहुत बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी तो मेरे को यहाँ दिखना है, बट फिलहाल हूँ मैं यहाँ पे हूँ मिडिल में, तो अभी मिडिल में होने के बाद हाई पे जाना है तो और मुझे मेहनत करनी है और मैं मेहनत कर ही रही हूँ। तो शिल्पा मुझे एक बात बताओ, आपको के दर्शकों को कुछ अच्छा सजेशन देना हो जो न्यू कमर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, जैसे जो आपके फैंस होंगे आउट ऑफ बॉम्बे होंगे, कुछ कहीं पर होगा, कुछ आपके जूनियर स्टूडेंट्स होंगे, कुछ आपके मोहल्ले के बच्चे होंगे, अगर आपको उन सबको ये बताना है कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो कैसे करें और कैसे अपनी जर्नी को आगे लेके जाएं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप किसी के भी थ्रू ऐसे एकदम कोई बोलेगा कि मैं आपको हीरो बना दूंगा या हीरोइन बना दूंगी या जो भी हो एक्सेट्रा, आप उनके थ्रू डायरेक्टली ना आ जाए, आप पहले स्टडी करो, पूरा एक बार जानो कि इंडस्ट्री के बारे में क्या है क्या नहीं है, क्या होता है कि आपको कोई भी बहला फुसला के लेकर आएगा, फिर आपके साथ क्या गलत होगा क्या नहीं होगा भगवान ना जाने क्या होगा। इसके लिए आप पहले बहुत सोच समझ के और पूरा एकदम उसका एक स्टडी पूरी कर लेना चाहिए कि ये इंसान सच में है कि नहीं है। सबसे पहले तो उसको गूगल पे सर्च करो। गुड। सबसे पहले उसको गूगल पे सर्च करो कि सच में बहुत बड़ा आदमी है कि नहीं है, क्योंकि क्या होता है आजकल अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक ये गूगल से गायब होता है, तो गूगल में अपना दिखता है फोटोज, तो उन लोग वो गूगल पे कि हाँ आप मुझे सर्च करो, मुझे कैसा बंदा मिला था, बोले आप मेरा नाम डालो गूगल पे ये आपको आएगा। मैंने ओपन किया वो फेसबुक का फोटो था एंड वो फेसबुक कैसा लग रहा था, फेसबुक पे ओपन करो वो पूरा डिटेल आ गया। मैंने बोला आपने तो मेरे को गलत बोला कि गूगल पे फोटोज है, आप ये बोलते हैं ना कि गूगल पे डालो कि मेरा नाम ये है और मुझे इस नाम से डालो कि मेरा वेब सीरीज डालो या कोई भी, बट आपने तो कुछ बोला नहीं, बोले सिर्फ गूगल पे नाम डालो मेरा आ जाएगा, और जब देखा तो वो फेसबुक था। इसके लिए पहले बहुत सोच समझ के समझदारी से काम लो, ऐसे किसी के भी बोलने से उठ के मत आओ, मेरा यही कहना है। बिल्कुल। और एक बात बताइए शिल्पा, जैसे आज आपको 8 साल हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री जी, आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे होंगे, बहुत सारे लोग आपको अच्छे जेन्युइन फेक भी मिले होंगे, कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने काम करवा लिया होगा लेकिन पैसे नहीं दिए होंगे, या कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने सपने दिखा दिए होंगे लेकिन काम नहीं दिया होगा, तो आपकी लाइफ में कभी कोई कास्टिंग काउच जैसा एक्सपीरियंस हुआ? मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, गिन चुन के मैंने 4-5 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, आज भी मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं मैसेजेस आते हैं, कहीं ना कहीं से मुझे मैसेज करते रहते, कोई मेरे को मेल कर देता है डायरेक्ट, कोई इंस्टा पे, कोई डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर बोलता है अरे आपका मेरे को नंबर यहाँ से मिला, मैंने बोला सॉरी मैं नहीं कर सकती, मुझे अगर मेरे दिल को लगे कि सच में वो जेन्युइन है तो मैं करूँ ये काम, अदरवाइज नहीं। नहीं बिल्कुल।
सो दोस्तों, हमेशा लालच का फल बहुत अच्छा नहीं होता है, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए। अच्छा शिल्पा, आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल लोगों तक बताइए, ताकि लोग अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है या किसी को किसी काम के लिए अप्रोच करना है, किसी इवेंट के लिए जी, तो आपको कैसे अप्रोच करेंगे, अपना इंस्टा हैंडल बता दीजिए। जी हाँ, मेरा इंस्टाग्राम है शिल्पा ठाकुर अंडरस्टूड डबल लाइन। यस, सो ये शिल्पा का इंस्टा हैंडल है, अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, उसे किसी इवेंट के लिए बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बुला सकते हैं। और कुछ स्पेशल, कुछ अलग से एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लोगों के साथ? अलग सा एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। ओके, और चलिए मैं आपसे, हालांकि ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, फिर भी पूछ ले रही हूँ। जब आपको पिछले साल पता चला कि मेरे पे पुलिस केस हो गया है, नेचुरली आपको पता चला होगा न्यूज पेपर के थ्रू या कहीं पे, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? और अगर आपने लोगों से बातें की होंगी मेरे बारे में, बिल्कुल आपको सच बोलना है, तो आपने कैसा अपना एक्सपीरियंस कहाँ रखा, कैसा सोचा, क्या फील हुआ, लोगों को बताइए। हाँ, पहले तो ऐसा, मतलब एक होता है ना, अपने दो माइंड चलते हैं कि एक गलत हो रहा है, एक सही समझ रहा है, तो पहले मुझे थोड़ा सा गलत हुआ कि माइंड में क्लिक हो गया कि नहीं, कुछ तो गलत होगा। फिर एक टाइम पे आया कि अरे, जो बंदा, मतलब बंदी या बंदा जो भी है, वो खुद के दम पे कर रहा है, तो उसको तो गिराने वाले बहुत लोग हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछालने वाले बहुत हैं, क्योंकि जो घर बैठ के देख रहा है काम, जिसको गलत बोल रहा है, तुम उसी के मूवी, उसी के सॉन्ग, उसी के वेब सीरीज सब देख रहे हो और अपना काम कर रहे हो, यू नो कि काम क्या करते हो तुम। तो ऐसा है कि अगर तुम अपना काम कर रहे हो और उसके बाद तुम उसी इंसान को गलत बोल रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज है। और तुम ठीक है, उसने जो भी काम किया हो, लेकिन एक टाइम में उस बंदी का तुमने बहुत देखा है ना, मतलब कि हाँ, मूवी है, सॉन्ग है, बहुत पसंद कर देते ना एक टाइम, तो आज तुम नफरत क्यों कर रहे हो? करेक्ट। और आपको कभी लगा कि मैंने कोई पॉर्न फिल्म बनाई है, कभी किसी को फोर्स किया है, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? नहीं नहीं नहीं, जो चीज़ें आप मुंह पे बोल के करते हो कि नहीं ये है, आपको करना है, नहीं करना है, वो आपके हाथ में, आप पहले ही डिटेल्स बता देते हो। यस, सो दोस्तों, ये थी शिल्पा ठाकुर आज हमारे साथ में, ये इनकी एक्सपीरियंस है जिन्होंने मेरे साथ भी काम किया है, बहुत लोगों के साथ काम किया और 8 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है। तो इनके एक्सपीरियंस को ग्रेस्प करिए, इन्हें फॉलो करिए और कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपना दिमाग लगाइए और तभी वो डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू शिल्पा। थैंक यू। थैंक यू।